वीडियो बनाने में थोड़ा लेट लगा, लेकिन क्या करें, टाइम शेड्यूल थोड़ा बिजी है, हो नहीं पाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एएलपी का जो वैकेंसी निकला है उसका जोन सिलेक्शन। अभी आप लोगों को पता है कि जोन सिलेक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैकेंसीज है जो कॉम्पिटिटिवली जितना हम लोग सोचे थे उसके रिलेटेड में बहुत ही कम आया है। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि जोन सिलेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जा रहा है, जिससे आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाए। हम ऐसा कौन सा जोन सिलेक्ट करें जिससे फाइट कम हो और मेरा चांसेस ज्यादा हो? तो वैसे तो कोई क्लियरली कुछ नहीं बता पाएगा, हम लोग प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे जो लगता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेंगलोर, बिलासपुर, मुंबई और सिकंदराबाद, ये चार जोन ऐसे हैं जहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा है, और इनमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चार जोन्स में बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इसमें से दो चार टोटल जो जोन्स है उसमें से दो चार जोन्स मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कॉम्पिटेटिवली वैकेंसीज ठीक ठाक है और कॉम्पिटेटिवली थोड़ा फाइट कम होगा। वो कहाँ है? सबसे पहले दिखेगा भोपाल और भुवनेश्वर, ये दो जगह, और इधर मुझे लगता है कोलकाता और मालदा। इसमें से भी सबसे ज्यादा हमको लगता है कि मालदा में कम होगा, क्योंकि मालदा का जो मालदा जोन का जो वर्किंग एरिया है जो वो सबसे कम है और वैकेंसीज कॉम्पिटिटिव ठीक ठाक है। ज्योग्राफिकली अगर आप देखिएगा तो उसका वर्किंग एरिया मालदा का कॉम्पिटिटिवली अदर जोन से कम है, फिर भी इसमें वैकेंसी ठीक ठाक है। तो मुझे जो लगता है जो बेस्ट जोन होगा सिलेक्शन मतलब भरने के लिए वो भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता और मालदा, ठीक है? खासकर अगर कोई बंदा बिहार से है तो उसके लिए कोलकाता और मालदा बेस्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? और दूसरा बात पे जो मैं आता हूँ, आप लोग जब भी फॉर्म भरे उसमें एक चीज का ख्याल जरूर रखें। ये बात ठीक है कि नौकरी चाहिए, कहीं से भी मिल जाए नौकरी करना, आजकल के टाइम में नौकरी ही नहीं मिल रहा है तो कहीं से भी मिल जाए हमको नौकरी सिर्फ चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान ये भी दीजिए कि आपका जो नौकरी का जो लोकेशन होना चाहिए, अगर आपका घर से घर के पास नहीं मिल पा रहा, घर से घर के पास मिल जाए तब तो बेस्ट है, अगर घर के पास नहीं मिल रहा है तो अगर ऐसा रहे कि वो ऐसे मेन लाइन में रहे कि 2-3 घंटा 4 घंटा में आप घर पहुंच सके, तब वो लोकेशन बहुत ज्यादा वेलेबल हो जाता है। जैसे कि सपोज किसी का घर पटना में है और उसका पोस्टिंग वर्धमान में या आसनसोल में या इस मेन लाइन पे है तो उसको दिक्कत नहीं होगा, रेस्ट में या फिर छुट्टी लगा करके इजिली घर से आना जाना कर सकेगा। वैसे ही किसी का घर अगर खड़गपुर में है या टाटा में है तो उसका पोस्टिंग अगर हावड़ा पे कोलकाता में भी रहे तो भी वहां से वो आना जाना आराम से कर पाएगा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं 10-10, 11-11 साल से सिकंदराबाद में, विशाखापट्टनम में, बेंगलोर में, मैसूर में पड़े हुए हैं, नहीं हो रहा है ट्रांसफर। अब वहां पर एएलपी से सीनियर एएलपी हो गए, सीनियर एएलपी से लोको पायलट गुड्स हो गया, उनका जो ये आ रहा है कि लोको पायलट मेल एक्सप्रेस में भी आ रहा है नाम आस्ते आस्ते, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो मतलब जो कुछ सोच के आदमी जाता है कि ठीक है भाई 7-8 साल के बाद भी अगर ट्रांसफर हो जाए तो हम अपना होम लोकेशन आ जाएंगे, ये चीज भी थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है आज के टाइम में, ठीक है? और प्लस दूसरा बात ये है कि अगर आप ये जो नौकरी है ना, अगर आप घर में रह के करिएगा तो ये आपके लिए कॉम्पिटेटिव थोड़ा इजी होगा रादर देन अगर आप बाहर में रह के करिएगा, क्योंकि आप बाहर में रहेंगे तो आपको एक नया संसार स्टार्टिंग से फिर से बनाना होगा, और फिर आप अकेले रहिएगा या फिर अपना फैमिली को लेकर रहिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा बाहर में। ये ऐसा जॉब है मतलब रनिंग स्टाफ का जो नौकरी है इसमें आपको बाहर में रहने में थोड़ा दिक्कत होगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि आप लोग को अलग लगे, लेकिन अगर आप ये नौकरी रनिंग स्टाफ का नौकरी अगर आप अपने घर में रह के कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चार जोन है जिसमें कंपटीशन
ठीक ठाक रहेगा और सिलेक्शन चांस ज्यादा रहेगा। और प्लस फॉर्म भरते समय ये भी एक बार ध्यान दीजिएगा जरूर कि अगर हो सके तो होम लोकेशन भरिए, या फिर ऐसा लोकेशन भरिए जहां से आपका घर का जो आना जाना है वो मैक्सिमम 3-4 घंटे में आप आना जाना कर सकें और वहां से डायरेक्ट ट्रेन आपका घर के लिए अवेलेबल हो। तो नौकरी के बाद का जो टाइम है उसमें थोड़ा आपको सहूलियत मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था। मुझे बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम में जो फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे जो है, सबके मुझे ऐसे ही कॉल कर करके बता रहे थे कि भैया कहाँ से भरे कहाँ से भरे। और बात भी ऐसा है कि इतना कम वैकेंसी में हम कैसे सजेस्ट करेंगे कहाँ से भरे। तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेट आने का कारण भी यही था कि मैं ठीक से किसी को सजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि कहाँ से भरना है। तो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मुझे ये 4 जोन ऐसा लगा जहाँ पर भरना चाहिए फॉर्म। और साथ में ये भी जो सेकंड पार्ट मैंने बोला कि अपना होम लोकेशन या होम लोकेशन से कनेक्टेड 3-4 घंटा का जो डिफरेंस है वैसा लोकेशन पे अगर मिले तो भी बेस्ट रहेगा। बाकी आप डिसाइड करिएगा फॉर्म भरने का समय, और आप कहाँ से फॉर्म डाल रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे बाकी सबको पता चल पाए कि कहाँ से ज्यादा फॉर्म्स डाले जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फॉर्म जल्दी भर दीजिए, लास्ट में सर्वर क्रैश करने लगता है।